वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश बाश होंगे। आज का व्लॉग माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि सर्दी का तोड़ कैसे निकाला जा सकता है, यानी कि बच्चों को और बड़ों को सर्दी लग जाए तो उसके लिए क्या करना होता है। दोस्तों, तो मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ, तो आपने देखना है कि ये टोटका कैसे तैयार किया जाता है और ये कैसे फ़ायदा देता है। दोस्तों, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखा। दोस्तों, तो अज जिहड़ा अफजाल हैगा है एक कावे दे विच निंबू पा के पीन लग गया है। इन्हां नूं खांसी और नज़ला काफ़ी तेज़ हो गया है, तो उल्टियां भी नाल लग गई ने। जिहड़ी मेरी सारे तो निक्की बेटी बैठी है, इहदा ते अज बहुत ही बुरा हाल होया है। ये दुआ करे जे सही सलामत होवे, बहुत ही जल्द सेहतमंद हो जाए। इन्हां नूं अज कावा बना के दे रहे हैं। कॉफी कॉफी कावा नहीं, नींबू वाला कावा। तो ये हुण पीवणगे कावा। इस तों बाद इन्हां नूं असीं हुण पानी नहीं पीण देना। अगर ये पानी पीते हैं तो फिर इन्होंने खांसी आ जानी है। इन अफजाल नूं कह रहा भी पानी नहीं पीना। अफजाल किवें कावा लगता भाई? खट्टा लगता है? और नहीं यार, ये खांसी वैसे बहुत ही ठीक है। देखो, ये जुशांदा भी पाया है, इन्हों ला रहे हैं ताकि बच्चों की सेहत ठीक हो जाए। देखो, सब तो ज़्यादा इन मुश्किल है, यदि तबीयत नहीं ठीक हो रही, इन खांसी बहुत ज़्यादा है। उस तो बाद किरण शहजादी, इन भी तुम वेखते जे अज यदि भी तबीयत कुछ ठीक नहीं हैगी। मूँह वेखो कि लाल सुरख होया है। हम इस वास्ते असी इन्होंने शाम को एक कावा पिया के सवा देना है, तो इंशाल्लाह सवेरे तक इन्हों की तबीयत कुछ बेहतर होगी, स्कूले जावन जोगे हो गए। तो इन्हें तो अच बिल्कुल छुट्टी की है इरम शहजादी ने। इरम किवें दी छुट्टी की अज? जैस नहीं, दस उन्होंने छुट्टी की है कि नहीं की है? अच्छा, तो सुबह पढ़न जाना है। चलो कावा पी के उत्तू पानी नहीं तू पीना, ठीक है ना? तो पढ़न सवेरे लाजमी जाना। अज तेरे सर का फोन भी आया सी, उन्हें कहा कि इरम शहजादी अज पढ़न नहीं आई। मैं क्या, उसकी तबीयत नहीं ठीक, उन्होंने खांसी है, तो नाल ही उन्होंने हल्का हल्का बुखार है। तो किरण शहजादी गई हुई सी स्कूले, वेखो ये रो भी रही है, इन्हें धूप पै गया इसकी अखा च, तो कावा भी पी रही है। इधर मुहम्मद अफजार खान है, इन्हों भी अज नज़ला तो खांसी काफ़ी सी। इन्होंने वास्ते देसी टोटका तैयार किया है कावा। ये पुराने जेडे दौर के बंदे होंगे सन, ये देसी टोटके इस्तेमाल करते सन कि इन्हें चीज़ों के नाल खांसी और नज़ला हट जाता है। अज असी क्या भी असी अपने दोस्तों नाल भी शेयर करिए कि देसी टोटका की चीज़ है। ये तुसी भी अक्सर पिंडा दे विच लोग आपदे घरां दे विच बनांदे होणगे कि कावे दे विच नींबू पा लिया तो दुशांदा पा लिया, ये पी के काफ़ी सेहत वास्ते बेहतर है, खांसी नज़ले तो काफ़ी बेहतरी आ जाती है। जी वेख सकते हो दोस्तों, असी विलेज दे विच पहुंचे हुए हैं और यह तुहानू सामने इमारत नज़र आ रही है। की चीज़ अज मैं तुहानू इहदे बारे दस भी दें थोड़ा जिहा। यह है जे मुर्गियों का कंट्रोल शैड, यानी कि हुण इहदे विच ही मुर्गियां पालियां जांदियां ने। वड्डे वड्डे पक्खे भी लगे हुए ने, तुसीं वेख सकते हो। तो पहले होंदे सन आम खुली जगह पर कमरियां दी तरह, उहदे विच मुर्गियां तैयार होंदियां सन, लेकिन हुण उह सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है। हुण आ सिस्टम आ गया जे इहदे विच पक्खे लगे हुए ने, एसी समझ लो, तो इन्होंने ठंडा करना होंदा कमरियां नूं, तो उहदे विच मुर्गियां पालियां जांदियां ने। दोस्तों, जिहड़ी ब्रायलर मुर्गी आपां खुद खाने आ, ये इस तरीके नाल इहदे विच तैयार होंदियां ने। अगर मैनूं इजाजत होंदी तो मैं तुहानूं इहदे अंदर भी जाके दिखा सकदा सां, लेकिन फिल वक्त इहदी इजाजत नहीं है कि कंट्रोल शैड की चीज़ है। ये फिलहाल तुहानूं असीं बाहर ही दिखा रहे हैं, अगर कदे मौका मिले तो जरूर इंशाल्लाह अंदर का भी इहदा विजिट करावांगे। तो तुसीं साडी वीडियो नूं मुकम्मल देखा करो। जी दोस्तों, सुबह सुबह उठे हाँ तो वेख्या कि धुंध काफ़ी तेज़ आ चुकी है।
लगे तो पहले एक दफा आई थी बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन आज जड़ी है काफी तेज धुंध है। देखो दोस्तों धुंध दे विच कोई चीज नजर नहीं आ रही, हद निगाह ज्यादा तो ज्यादा 40-50 मीटर थोड़े सामने ही है, इस तो ज्यादा नजर कुछ आ रही आ रही। हाँ भाई अफजाल खान, आदिल खान तू अंदर जाता रहे, चलो शाबाश अंदर जाओ, सर्दी बहुत है, सर्दी बड़ी है, जाता रहे शाबाश। तू बाहर की करता फिरता है, है? देखो उसकी वड्डी भैन भी आ गई है जी सर्दी में बर्तन धो के।